आज की इस वीडियो में आपके साथ कमाल का ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि हम इस तरह का एम्ब्रॉयडरी वाला नेक होता है उसको पाइपिंग लगाकर लाइनिंग को जो अस्तर होता है उसको पीछे वाली साइड में पलट देते हैं, कुछ इस तरह का नेक बना हुआ होता है। जब हम उरेब पाइपिंग लगाते हैं उसमें तो फिनिशिंग आती जाती है, जब हम सीधी पाइपिंग लगाते हैं वहाँ पे देखिए गलाई वाली शेप में इस तरीके से झोल जो आने लगते हैं गले के। तो इसे कैसे ठीक करना है बिना इसको उधेड़े, तो यहाँ पे जिस कलर की भी कुर्ती में पाइपिंग लगी होगी उस कलर का सेम थ्रेड आपको सुई में डाल लेना है, ठीक है। डबल थ्रेड यहाँ पे डाला है और एंड में नॉट टाई कर देंगे। तो इसे करने के बाद यहाँ पे देखिए जहाँ से भी गले की गोलाई शुरू होगी वहाँ से इसको सेट करना शुरू करेंगे, मगर दोनों साइड आपको बराबर निशान लगाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से पाइपिंग लगी हुई है इसको इस तरह से मिलाकर रखना है और यहाँ पे देखिए गोलाई शुरू हो रही है। यहाँ पे एक छोटा सा मार्क लगा लेंगे, ठीक है। दोनों पाइपिंग को मैंने एक साथ मिलाकर रखा है और एक साथ ही निशान लगाऊंगी, उस वाली साइड में भी निशान हमारा आ जाएगा और इस वाली साइड में भी निशान हमारा आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो इस निशान से इस निशान तक हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। सुई को लेंगे जिसमें हमने डबल थ्रेड डाला है और लाइनिंग में से सुई को निकालेंगे, इस तरह से पाइपिंग की तरफ लेकर आएंगे। अभी छोटे छोटे टांके हैं वो आपको पाइपिंग की पिछली वाली साइड में से उठाने हैं, तो बिल्कुल भी आपको छोटे टांके नहीं लगाने हैं। ये गोल्डन कलर की पाइपिंग है और ये गोल्डन कलर के टिश्यू से बनी होती है। टिश्यू तो आपको पता ही है बहुत पतला सा फैब्रिक होता है, तो आपको बिल्कुल कम टांके नहीं उठाने हैं, ये टूट भी सकते हैं, ठीक है। थोड़े से मोटे उठा लीजिए, इतने भी ज़्यादा मोटे नहीं उठाने हैं। इस तरीके से छोटे छोटे टांके उठाते हुए पाइपिंग की बैक साइड में, ऊपर की तरफ नहीं उठाने हैं, पाइपिंग की बैक साइड में उठाने हैं, जैसे कि कुर्ती का उल्टी वाली साइड है। अभी जहाँ तक हमने दूसरा मार्क लगाया था जब तक वो नहीं आ जाता आपको इसी तरीके से टांके लगाते हुए जाने हैं। वैसे तो ये सीधी पाइपिंग होती है उसमें भी बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आ जाती है, मगर कभी कभार हमारा जो कपड़ा है वो पतला होने की वजह से इसमें गोलाई वाली शेप में फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो इसको आप इस तरीके से ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो निशान की तरफ हम पहुंचने वाले हैं, बस थोड़े से टांके और लगाने हैं, ठीक है। जब हम निशान की तरफ पहुंच जाएं वहां से हमको इस तरीके से थ्रेड को रख लेना है, दो तीन टांके और लगाएंगे, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हो चुका, अभी थ्रेड को थोड़ा सा हल्का सा खींच लेंगे, उतना ही खींचना है जितनी इसके बीच में रिंकल्स आ रहे थे। आप पहले रख कर सेट कर लीजिए एक तरफ से, ठीक है। बस आपको हल्का सा इसको गोलाई वाली शेप में घुमाते हुए उतना ही थ्रेड को खींचना है। खींचने के बाद यहाँ पे एक नॉट टाई कर देंगे, ठीक है, एक दो बार कर देंगे और जो बाकी का थ्रेड होगा और लाइनिंग के बीच में से ऐसे निकाल देंगे और थ्रेड को कट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी इसमें झोल आ रहे थे वो सभी गायब हो चुके हैं। तो आप भी इस ट्रिक को ज़रूर अपनाना अगर आपकी भी कुर्ती का नेक इस तरीके से हो जाता है तो, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और साथ ही में मुझे जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें।